कागज को लेकर फंसते दिख रहे हैं सलमान खान और सतीश कौशिक, कोर्ट पहुंचा मामला। हेमंत नंगराली मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए, परमबीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बनाया गया। यूपी कोरोना, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, कोविड प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों को करवाना होगा टेस्ट। आगरा न्यूज, गुरुग्राम से पश्चिम बंगाल जा रही बस यमुना एक्सप्रेसवे पर पलटी, 30 सवारियां घायल। हरियाणा, पति ने कैंची से काट दी थी पत्नी की गर्दन, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। इटावा में बोले अखिलेश यादव, ऐसा लगता है पंचायत चुनाव को टालने की चल रही है साजिश। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का निधन, उपराष्ट्रपति ने दी जानकारी। गाजियाबाद में फिर फैला कोरोना, तो लागू की गई धारा 144, डीएम ने जारी की नई गाइडलाइन। बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साधा निशाना, बोली सरकार और बीजेपी भरोसे के लायक नहीं। मेरठ, सूरज कुंड मोहल्ले में मकानों के बीच चल रही फैक्ट्रियां, लोगों ने लगाए प्लान के पोस्टर। काम करी पार्टी में आके खुश हैं, एनसीपी ज्वाइन करने के बाद बोले पूर्व कांग्रेस नेता पीसी चाको। भारत में कोरोना वायरस केस अपडेट, भारत में नए कोविड 19 केसों में 18% बढ़ोतरी, पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 28,903 मामले। हथियारों की तस्करी का बड़ा अड्डा बना जोधपुर, सीएम मल्होत्रा के गृहनगर में बेबस हुई पुलिस। आगरा, शौचालय के गड्ढे में गिरा बच्चा, बचाने गए 4 लोगों की भी मौत। नोएडा, आधे बने मकान में मानव कंकाल मिलने से हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। आजान के आवास से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति की नींद में पड़ रही खलल, डीएम को लिखा पत्र। इटावा, पुलिस के प्रभारी पूर्वी से 55 दिनों में मासूम को मिला न्याय, दुष्कर्मी को मिला उम्र कैद की सजा। यूपी पंचायत चुनाव, 4 चरणों में होंगे चुनाव, एक जिले में एक ही दिन मतदान। प्रयागराज, जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 9, मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार। यूपी में प्रतापगढ़ में जहरीली शराब पीने से 4 की मौत, जिला आबकारी अधिकारी एसओ समेत 7 निलंबित। पार्लियामेंट सीजन लाइव अपडेट, सांसदों को संबोधित करेंगे आईपीओ अध्यक्ष द्वारते पचेको। अहमदाबाद में बढ़ा कोरोना, खाली स्टेडियम में होंगे भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के बाकी 3 मैच। सेना भर्ती घोटाला, सीबीआई के 6 लेफ्टिनेंट कर्नल के अलावा कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ढाका दौरे पर, भारत बांग्लादेश के बीच हो सकते हैं 3 समझौते।